ना आगे क्या होगा अब देख रहे हैं ना। नड्डा साहब ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। नहीं, बिहार में अब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यहां पे लीडिंग करेगी और देश में सभी विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये बातें कही थी बीते दिनों जेपी नड्डा ने जब बिहार दौरे पर वो आए थे, और तब से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। लगातार विपक्षी दल बीजेपी पर हमला कर रही है और इस वक्त बिहार की राजनीति काफी गर्म चल रही है। बिहार में सियासत उठापटक मचा हुआ है। लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार में जल्द ही सरकार बदल जाएंगी और जल्द ही बिहार को नया मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब की घटनाएं कब से शुरू हुई और क्यों इन सब घटनाएं पर चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए कि जेपी नड्डा के बातों से विपक्षी दल कहीं ना कहीं काफी गुस्से में है और काफी परेशान भी है। इतना ही नहीं, एनडीए घटक दल में शामिल जदयू भी इससे काफी परेशान है और इसी से आहत होकर जदयू ने, जो लगातार खबरें चल रही हैं कि तेजस्वी यादव के साथ वो मिल करके सरकार बनाएंगी, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी जो हमने आपको सुबह में दिखाया था कि सोनिया गांधी से नीतीश कुमार ने संपर्क किया है और जल्द ही महागठबंधन में जदयू शामिल होगी और बिहार में सरकार बनाएगी। जदयू क्यों गुस्से में है इसको बताने से पहले आपको हम सुनाते हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का वो बयान जिसमें उमेश कुशवाहा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जेपी नड्डा को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि जल्द ही विपक्षी दल देश से खत्म हो जाएगी। सुनिए उमेश कुशवाहा। नहीं, लेकिन आपका बड़ा बयान है, क्योंकि इस वक्त जब कई तरह के कयास लग रहे हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि सब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है सर? बिल्कुल हम तो ठीक ठाक है। फिर अभी वाली बात सर, ना आगे क्या होगा अब देख रहे हैं ना। हमारी पार्टी, हम तो संगठन का काम देख रहे हैं, संगठन अपनी मजबूती पर हम लगे हुए हैं और सरकार जो बनाना, और मैंने वो तो आप जो हमारे जो सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस संबंध में उनसे बात करिए। अभी तो देख रहे हैं कि जनता दरबार लगा रहे हैं, हम लोग जनता की बात सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, हम उसके लिए संकल्पित हैं। लेकिन संभावना क्या है सर? संभावना ऐसी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो आप सोच रहे हैं, चाहे जो आप कयास लगा रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। आप खटास की क्या बात करते हैं? देख रहे हैं कि अभी जो नड्डा साहब ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। नहीं, तो एक दूसरे जो हमारे जो जो एनडीए घटक दल है, तो एनडीए घटक दल में सबको, माने सबको तो बोलने का, उस पर तो सोचना चाहिए। नहीं, आपने हमने तो सारा कह ही दिया कि जेपी नड्डा ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे, यानी कि उस बात का दुख है आप लोगों को? क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग अपना, हमारे सबका वजूद है। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो यहाँ देख रहे हैं कि हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो ने इन 16-17 वर्षों में जो काम किया, ऐतिहासिक है, देश दुनिया के नक्शे पर है। जो बिहार का, मैंने पूर्व में बिहार था, आज क्या बिहार की स्थिति आई है, तो उनके नेतृत्व में जो सरकार, सुशासन की सरकार चल रही है और जो विकास हुआ है, किसी से छिपा हुआ है क्या? तो अचानक से सर इस तरह की बातें क्यों हो गई? मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि 2024-2025 में साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी आपको बता दें कि हम लोग संगठन के, मैंने देख रहे हैं, और जो हम लोग का जो माननीय विधायक है और जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उनसे फीडबैक लेने के बाद हम लोग कुछ भी काम करते हैं। नहीं, तो जो फीडबैक आ रहा है, हम लोग कैसे संगठन को विस्तार, संगठन को कैसे धारदार, कैसे मजबूत करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। तो आपने उमेश कुशवाहा को सुना, उन्होंने किस तरीके से जेपी नड्डा के बातों को कहा है कि जरूर हमें बुरा लगा है। वो किस आधार पे कह रहे हैं कि विपक्षी दल खत्म हो जाएगी? इस बात का कयास यहीं से शुरुआत हो गया बिहार में सियासी उठापटक का, कि जदयू आरजेडी के संपर्क में है और आरजेडी जदयू के संपर्क में है और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से संपर्क कर चुके हैं और बिहार में ये खबरें चल रही हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर में मुख्यमंत्री और बिहार में सियासी उठापटक मच जाएगा और सरकार बदल जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते जाइए। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में सरकार बदल जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।